डकरा वीआईपी क्लब में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक उपस्थित लोगों ने सामूहिक योग किया। योग पर शिक्षक के रूप में उपस्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर डकरा के प्रधानाचार्य गोपाल विश्वकर्मा मिस्त्री ने सभी लोगों को योग कराया। योग पर शिक्षक के द्वारा मानवता के लिए योग थीम पर स्वास्तिकासन, गोमुखासन, गोरक्षासन, योग मुद्रासन, सर्वांगासन, प्राणायाम, कपाल भारति जैसे आसन कराए गए। इस योग शिविर में महाप्रबंधक संजय कुमार, स्टाफ ऑफिसर पर्सनल सुनील कुमार तिवारी, सीसीएल के जेसीएससी सदस्य कमलेश कुमार सिंह, इतिश्री, कमल मांझी, जय अब्राहम, दीपक कुमार, संजय कुमार, मनोज ओझा, राजेंद्र प्रसाद, लोकनाथ राणा, गोल्डन प्रसाद यादव, मिथिलेश कुमार सिंह, शैलेश कुमार, अमरभूषण सिंह, मनीष कुमार, डीपी सिंह, आनंद सिंह, सेतुबान सिंह, अशोक सिंह, ओम प्रकाश, दिवाकर साहू समेत काफी संख्या में लोग शामिल हुए। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एनके क्षेत्र के ऑफिसर्स क्लब में आयोजित यह समारोह इनके नाम रखा गया। आज हम लोग सुबह 5:30 बजे से 7 बजे का सेशन किया गया। चूँकि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था योग फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योग, यह बहुत ही लाभदायक है योग। और चूँकि हम लोग इस कार्यक्रम को आज अंतिम पायदान में लाए हैं, इसका श्रेय यहाँ के स्कूल के प्रधानाचार्य जो सरस्वती शिशु मंदिर के हैं उनके पास जाता है कि वो 14 अप्रैल से लेकर के आज 21 जून तक लगातार इनके क्षेत्र के सभी योग विद्यार्थियों को अपना योग का ज्ञान दिए हैं, योगाभ्यास करवाए हैं। और ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारे डकरा और खलारी क्षेत्र को कि इस तरह का आयोजन किया गया और इसमें लोग बहुत, आज तो अंतिम दिन बहुत लोग हिस्सा लिए हैं, 100 के आसपास यहाँ पर आए हैं और सबको योग अभ्यास करवाया गया है। ये दिस इज मैसेज, चूँकि हेल्थ इज वेल्थ, हमारा स्वास्थ्य ही एक धन है। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका सारे कार्यक्रम, परिवार का हो, अपना ऑफिस का कार्यक्रम हो, कोई कार्यस्थल हो, वो सब भी सुलभ तरीके से चलता रहता है। तो ये एक मैसेज है और ये मैसेज इस अंतर्राष्ट्रीय योग के माध्यम से आज दिया गया है और लोग इसे काफ़ी लाभान्वित हुए हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने में। आप जानते हैं कि आजकल पर्यावरण प्रदूषित हो गया है, लोगों का रहन सहन बदल गया है, इस परिप्रेक्ष्य में यह योग करना लोगों के लिए अति आवश्यक है। मैं इस माध्यम से सभी ग्रामवासियों को, अपने इनके क्षेत्र के परिवार को यह संदेश देना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता उसी में निहित है कि आप योग करें और लोगों को योग करने के लिए प्रेरित करें।